दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनबॉक्स में। दोस्तों आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। यूपी में बनाया जा रहा गंगा एक्सप्रेस वे का 40% का काम पूरा हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे के लिए मेरठ बुलंदशहर हाईवे 334 के ऊपर गांव बिजौली के पास इंटरचेंज का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इंटरचेंज के पिलर तैयार हो गए हैं और अब हाईवे के ऊपर बनने वाले ओवरब्रिज के निर्माण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। 224 के मध्य तक इंटरचेंज निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य कुंभ 2025 से पहले अगले साल दिसंबर तक पूरा करने पर जोर है। इसके लिए निर्माण कंपनी को भी विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे का 12 पैकेज में विभाजित कर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। कुल 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे पर 18 फ्लाईओवर व 8 रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जबकि टोल प्लाजा के 12 रैंप भी बनाए जाएंगे। उधर खरखोंदा क्षेत्र के गांव बिजौली के पास मेरठ बुलंदशहर हाईवे 334 पर बन रहे इंटरचेंज का निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। यहां करीब 40 से अधिक पिलरों पर इंटरचेंज तैयार किया जाएगा। अधिकांश पिलरों को तैयार कर लिया गया है। साथ ही हाईवे के ऊपर बनने वाले ओवर ब्रिज के निर्माण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हाईवे पर बने डिवाइडरों पर भी पिलर का निर्माण किया जा रहा है। हापुड़गढ़ तहसील क्षेत्र के गांव शंकर टीला के शंकर पार के गांव पिपलौती तक 12 लेन का पुल तैयार किया जा रहा है। गंगा के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए 960 मीटर लंबे पुल के लिए कुल 16 पिलर तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक पुल के बीच करीब 60 मीटर की दूरी होगी। हालांकि वर्तमान में जल स्तर अधिक होने के कारण गंगा बीच में बनाए जा रहे पिलरों का कार्य बाधित है, जबकि किनारे पर तेजी से पिलर का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।